जब बच्चा बोलना सीखता है उसके मुंह से सबसे पहले एक ही शब्द निकलता है, माँ। चाहे हम तकलीफ में हो, खुशी में हो, चाहे हमें चोट लगे या भूख लगी हो, हमारे मुंह से हर समय हर पल एक ही शब्द निकलता है, वो है माँ। माँ देवी का रूप है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए डट कर खड़ी रहती है। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचती, ना ही कभी उन्हें दुख में देख सकती है। वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचती है। लेकिन मुजफ्फरपुर में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जहाँ एक माँ ने प्रेमी के लिए अपने दो बच्चों को धोखा दे दिया, अपनी बच्ची को बेच डाला। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने प्रेमी से शादी करने के चक्कर में अपनी नाबालिग बेटी को बेच दिया और बेटे को हॉस्टल में छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो। बता दें कि पीड़ित नाबालिग का पिता मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाला था, लेकिन काम के चलते पत्नी और बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर में रहने लगा था। जानकारी के मुताबिक करीब 2 साल पहले उसकी मौत हो गई। उस समय बच्ची की उम्र करीब 12.5 साल की थी। ऐसे में माँ के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। इस दौरान महिला के एक युवक के साथ प्रेम संबंध बन गए और युवक उससे शादी करने को तैयार हो गया, लेकिन प्रेमी ने बच्चों को अपनाने के लिए से साफ इनकार कर दिया। तभी माँ ने अपनी खुशी के लिए ऐसा खौफनाक कदम उठाया। माँ ने बेटी को एक महिला वह उसके पति के सहयोग से प्रेमी के साथ मिलकर 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। महिला ने अपनी नाबालिग बेटी का सौदा 2.5 लाख में बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले एक कारोबारी से कर दिया। 35 साल के कारोबारी ने नाबालिग को खरीद लिया। यही नहीं, अपने बेटे को एक निजी स्कूल के हॉस्टल में छोड़कर अपने प्रेमी के साथ दिल्ली आकर रहने लगी और शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक लड़की को खरीदने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति ने उस पर काफी जुल्म ढाए। वो उसे पत्नी की तरह रखने लगा। यही नहीं, घर का सारा काम भी उसी से करवाने लगा था। बताया जा रहा है कि जिसने लड़की को खरीदा था, बाद में उसने उस लड़की से शादी कर ली। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब महिला ने बेटे के हॉस्टल का खर्च जमा नहीं कराया। तब हॉस्टल संचालक के द्वारा इसकी सूचना परिवार के अन्य लोगों को दी गई। इसके बाद बच्चों के दादा और चाचा ने रांची में 0 FIR दर्ज कराई। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया और इस सौदे में अहम भूमिका निभाने वाली दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब दिल्ली में रह रही बच्ची की माँ और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के SP ने कहा कि पूरे मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है, मामले की जांच की जा रही है। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। न्यायालय के समक्ष 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। अन्य पहलुओं पर पड़ताल के साथ साथ इस घटनाक्रम में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।